मेरा मुंबई आने का उद्देश्य यही था। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लॉग। तो गाइज, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। अगर आप लोगों को मेरे फर्स्ट ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नया चैनल है तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। सबसे पहले तो अपने बारे में बताना रहता है, तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि कहते हैं ज़रूरी है फर्स्ट ब्लॉग में अपने बारे में इंट्रो देना। तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ। तो वो आज मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ। मेरे पास एक्चुअली माइक वगैरह नहीं है तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। तो बात करते हैं अपने बारे में, मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ और क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरा नाम है राहुल सिंह, मैं MP से हूँ, अनूपपुर ज़िले से, एक छोटा सा गाँव जरवाही करके हमारे गाँव जंगल एरिया में पड़ता है। मैं 2.5 साल से मुंबई में हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ, नाइट में माल वगैरह आता है देश विदेश से या बाहर से, तो वो सब मेरे को एंट्री करना रहता है, चालान बनाना रहता है, तो ये सब मेरा काम रहता है। मेरा मुंबई आने का उद्देश्य यही था, मेरे को ब्लॉगिंग करना है। जब मैं गांव में था तब मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं सोचा था कुछ काम करके फ़ोन वगैरह लेके ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तब मैंने मम्मी से कुछ पैसे लेकर मुंबई आ गया था। धीरे धीरे 4-5 महीने काम करते करते जान पहचान हुआ मुंबई में दोस्तों के साथ, तो मैं डांस क्लास ज्वाइन किया। डांस क्लास ज्वाइन करने के बाद काफ़ी मुसीबतें आई मेरे साथ, तो मैंने डांस क्लास छोड़ दिया। डांस क्लास छोड़ने के बाद बहुत टेंशन में था कि मैं क्या करूं, मुंबई किस लिए आया था। तब मुझे याद आया कि यार मैं तो मुंबई एक फ़ोन लेने आया था और पहले से ही मेरा गोल सेट था कि मुझे ब्लॉगिंग करना है, बट मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना था, एक्चुअली कुछ सीखना था, अपने अंदर कुछ एक ऐसा टैलेंट होना चाहिए। और 5-6 महीने सीखा काफ़ी है। डांस वगैरह मैंने अभी करना बंद कर दिया हूँ, बट कभी भी कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया तो ब्लॉगिंग वगैरह सारी चीज़ भूल गया। कुछ एक्टर मिल गए थे सीरियल में जो काम करते हैं, उनसे बात होने लगी, तो मुझे थिएटर करने का ख्याल आया। तो थिएटर तो अभी भी मेरे माइंड में है, बट कभी कभी पैसे की प्रॉब्लम होती है, या क्योंकि रूम काफ़ी महंगे होते हैं यहाँ, खाना पीना और अकेले रहना। मैं सोचा यार अभी अगर मैं जैसे डांस क्लास में फीस वगैरह दे देता था, लेकिन आने जाने का खर्चा नहीं हो पाता था, क्योंकि काफ़ी दूर है, गोरेगांव जाना पड़ता है यहाँ से, कुर्ला से। तो मैंने सोचा यार अभी छोड़ देना चाहिए। मैं अभी दो चीज़ सोच रहा था, या मुझे थिएटर ज्वाइन करना चाहिए या ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं थिएटर ज्वाइन करता तो फीस वगैरह तो दे देता, लेकिन आने जाने का खर्चा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ से अंधेरी गोरेगांव जाना काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। अगर ब्लॉगिंग अच्छी तरह से हुआ चला तो फिर लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग इसी तरह से प्यार सपोर्ट दिखाएं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के लिए कोशिश करूं जितना अच्छा वीडियो बना सकूँ, अभी तो माइक वगैरह नहीं है बट बाद में ले लूँगा। कोशिश करूँगा कि हर चीज़ दिखाने के लिए, आप लोग जो चीज़ कहोगे, जो कहोगे मुंबई के बारे में जो चीज़, तो मैं वो कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। ठीक है, फेवरेट आप लोगों का फेवरेट जगह और अच्छी से अच्छी चीज़ें और अच्छा मतलब बेस्ट जगह है, टूरिस्ट प्लेस आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। बट 4-5 दिन टाइम लग सकता है, बट आप लोगों का फरमाइश या आप लोग जो कमेंट करोगे, जो चीज़ देखना चाहोगे, मैं कोशिश करूँगा। और बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।